और ये भी एक लोकगीत देने के लिए जा रहा हूँ मैं ज्योति कैसेट के सौजन से। और हमारी ज्योति कैसेट के डायरेक्टर हैं हमारे आदरणीय गुरुदेव राधे श्याम तिवारी जी। तो कैसे एक भैया रिवानी कह रही है विदेश भैया कैसे बोली बोली नौ नौ गौनों बहुत सो बता रही कि अब धनक कौन को लेगी नाम ए अब धनक कौन को लेगी नाम पल का चढ़त टूट गई पाटी सुने कछु ना कहे ओ मेरे ससुर सुने कछु ना कहे क्यों बूढ़े बड़े वे का कहेंगे ना? मेरे ससुर सुने कछु ना कहे ओ सासुलिया करेगी बदनाम पल का चढ़त टूट गई पाटी अब धन कौन को लेगी नाम पल का चढ़त टूट गई पाटी सुने कछु ना कहे ओ मेरे जेठ सुने कछु ना कहे मेरे जेठ सुने कछु ना कहे ओ जेठानी करेगी बदनाम पल का चढ़त टूट गई पाटी अब धन कौन को लेगी नाम पल का चढ़त टूट गई पाटी सुने कछु ना कहे बता रही मुकेश चाचा जी के जयवदे सो तो वैसे सीधे साधे में कछु ना कह रहे यार मेरे नंदे सुने कछु ना कहे ओ नना दुलिया खरेगी बदनाम पल का चढ़त टूट गई पाटी अब धन कौन को लेगी नाम पल का चढ़त टूट गई पाटी टूट गई पार्टी पले का चढ़त टूट गई। हाँ तो आइए मेरे रसियों के प्रेमियों
और ये भी एक रसिया हमारे अवधेश भैया की फरमाइश पे। तो कैसे एक गोरी चीनी की सी बोरी नहीं निकोर रहे माराम भैया, तो कहा बता रही अपनी सहेली से कह रही कि बहना एक दिना का भाव सुने बोली ही मेरा ए मेरा पूरी सो पेट नरम छतिया नरम छतिया ने का ओले ते काम चलाए ले सात महीना को तो हाँ तब कह रही गर्मी रहे ते मोही नींद सतावे गर्मी रहे ते मोही नींद सतावे दिन भर सो सवर नहीं आवे उलटी होई वा रीतसिया ने का ओले ते काम चलाए ले मेरो पूरी सोबे नरम छतिया ने का ओले ते काम चलाए ले बताए रही मारा भैया अच्छो नाए अब मेरे ढिंग सोएब पर हमारे अवधेश भैया ना मानत भगवान कसम तो भाभी कह रही हाँ क्या कह रही अच्छो नाए अब मेरे ढिंग सोएब सुई में बलम पिरोएब ए सुई में धागो बलम पिरोएब तो कह रही अब टांगन बीच लगाए के तकिया लगाए के तकिया ने का ओले ते काम चला छतिया न रमु छतिया ने का